तो महामहिम की शपथ की मेगा कवरेज के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विजय चौक से अंकित गुप्ता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विजय चौक की वही महत्वपूर्ण जगह जहां से दो बड़े काफिले आज गुजरने वाले हैं। अंकित, आपका रुख करना चाहेंगे, किस तरह की हलचल आप वहां पर देख पा रहे हैं? जी, सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम सुबह से ही देखे जा रहे हैं और वैसे भी ये वीवीआईपी इलाका, संसद का सत्र चल रहा है, सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं, लेकिन आज का दिन तो महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। और क्यों ऐतिहासिक है? क्योंकि जो देश को मिल रही है एक पहली जो है आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति, पहली जो आज़ादी के बाद जिनका जन्म हुआ है, वो ऐसी राष्ट्रपति जिनका आज़ादी के बाद में जन्म हुआ है। और देखिए यहाँ की तस्वीरें, अगर आपको दिखाऊँ तो सहयोगी कैमरा पर्सन रंजीत की मदद से, यहाँ पर पूरे चप्पे चप्पे पर इस वक्त जो है सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और अगर कोई गाड़ी आ भी रही है तो उससे बाकायदा पूछने के बाद में इधर एंट्री दी रही है। इतना ही नहीं, ये देखिए जहां पर हम लोग विजय चौक पर खड़े हैं ना, इसके ठीक सामने भी पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है क्योंकि किसी को रोड तक जाने की अनुमति नहीं है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है, सामने जो है संसद भवन परिसर है और संसद भवन परिसर में यहीं से सामने से जो है, जो जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और नव निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरेंगे तो ये सामने से, इस रोड से ही सामने जो गेट है वहां पर एंटर करेंगे, गेट नंबर 5 पर पहुंचेंगे और वहां पर उनकी अगुवाई के लिए मौजूद होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, उसके साथ ही में राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू भी, जो देश के उपराष्ट्रपति भी मौजूदा, और ये सब लोग उनकी अगुवाई करके दोनों ही यानी कि रामनाथ कोविंद जी को और द्रौपदी मुर्मू जी को अंदर सेंट्रल हॉल ले जाएंगे। सेंट्रल हॉल जिसका एक अपना लंबा चौड़ा इतिहास है, संविधान सभा जो हुई थी वो उसी सेंट्रल हॉल में हुई थी, लिहाजा जब वो वहां पर पहुंचेंगी तो देश के जो मुख्य न्यायाधीश है एन वी रमन्ना वो वहां पर मौजूद होंगे और वो दिलाएंगे शपथ। और ये भी जो है एक रोचक बात है कि यहां पर अगर देखिए देश के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलवाई जाती है तो वो दिलवाते हैं राष्ट्रपति, और जब देश के नए राष्ट्रपति को शपथ दिलवानी होती है तो वो दिलवाते हैं देश के मुख्य न्यायाधीश। तो कुछ इस तरीके का जो है प्रक्रिया अपनाई जाएगी और जो काफिला निकलेगा कहां से, बहुत मनोरम दृश्य होगा निश्चित तौर पर। एबीपी न्यूज की जो बड़ी कवरेज है आपको वो मनोरम दृश्य दिखाएगी। देखिए सामने ये जो पूरा जो रास्ता है ये रायसीना हिल्स से आता है यानी कि राष्ट्रपति भवन, पीछे अगर जो है ये पूरा जो रास्ता है नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के बीच का, राष्ट्रपति भवन से जब काफिला निकलेगा रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी जिस काफिले में सवार होंगे, जिस बग्घी का जिक्र हम लोग लगातार कर रहे हैं, वो बग्घी इसी रास्ते से होते हुए सामने विजय चौक के ठीक सामने से यानी कि ये जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का इलाका है इससे गुजरते हुए संसद भवन का गेट नंबर 5 जहां से अमूमन राष्ट्रपति का काफिला अंदर जाता है वहां से सीधा वो जो सामने गेट है अंदर जाएंगे। और वहां पर जैसे ही 10:05-07 के आसपास काफिला अंदर पहुंचेगा शुरू होगा कार्यक्रम। लेकिन जिस बात का कुछ देर पहले मैं जिक्र कर रहा था ना कि 10:15 से लेकर के 10:30 के बीच का वक्त महत्वपूर्ण क्यों होगा, वो वक्त महत्वपूर्ण इस वजह से होगा क्योंकि जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं जिनके साथ में रामनाथ कोविंद जी के साथ में जिनके साथ में द्रौपदी मुर्मू जी अंदर जाएंगी, जब तक वो शपथ नहीं लेती तब तक वो नव निर्वाचित राष्ट्रपति होंगी और मौजूदा राष्ट्रपति हैं, निवर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। लेकिन जैसे ही शपथ ग्रहण होगा उसके बाद में ये तस्वीर बदल जाएगी, जो रामनाथ कोविंद जी जो निवर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हो जाएंगे पूर्व राष्ट्रपति और द्रौपदी मुर्मू जो नव निर्वाचित राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद में देश की राष्ट्रपति हो जाएंगी। हालांकि जिस तरीके से दोनों लोग राष्ट्रपति भवन से संसद भवन पहुंचेंगे कुछ उसी तरीके से वापस भी राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और 11 बजे के आसपास का वो वक्त है पहुंचा रहे हैं और तमाम जगहों पर एबीपी न्यूज के हमारे सभी साथी मौजूद हैं हर उस जगह पर जो आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या कुछ होगा सब कुछ लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, अंकित पूरा कार्यक्रम भी बता रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।